2 दिन पहले यानी कि 12 मार्च 2021 को मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब लगातार जिन जिन को पता पड़ रहा है वो मुझे फ़ोन कर कर, मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, करीबन 18 से 20 दिन पहले आपने एक पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी कि आपने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और आप अभी वैक्सीनेटेड हैं, आपको कोविड का खतरा नहीं है। आप ही हर एक को बताते हैं कि वैक्सीन लीजिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बिल्कुल जाइए, रुकिए मत, तो आप ही तो बच नहीं पाए इससे। अभी कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बहुत आम हो जाएगी। आज मैं पॉजिटिव आया हूँ, कल नॉर्मल जनता भी, हेल्थ वर्कर्स को 1 से 2 महीना पहले लगना चालू हो गया था टीका, तो इसीलिए कोरोना के पॉजिटिव केसेस भी पहले हेल्थ वर्कर्स से ही आएंगे, और जो कि मैं खुद आ चुका हूँ। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैक्सीन का मतलब क्या है। वैक्सीन बनाई गई है कोविड वायरस को इनएक्टिवेट करके, उसी के पार्टिकल से वो पार्टिकल्स को अपने शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने, उनमें इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो कोविड डिजीज़ पैदा करें, लेकिन वो इतने इम्यूनोजेनिक रहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर सकें। इस वजह से शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये वायरस के खिलाफ, और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये हमें आने वाले जो वायरस अटैक कर सकता है हमें आने वाले समय में, उसके खिलाफ एक प्रतिकार शक्ति देते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं हो सकता है। कृपया इस पे ध्यान दें। जो बाहर ये लोग भ्रम फैला रहे हैं उनसे बचें। अब कई दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, वैक्सीन निकाल के, यानी मास्क निकाल के आ रहे हैं, उनको मैंने किसी को ऐसे ही पूछ लिया कि भैया मास्क क्यों नहीं पहने आपने, तो उनने बोले डॉक्टर साहब अभी तो वैक्सीन ले लिए हमने, अभी थोड़ा ना कोरोना होगा। तो मैं ये माध्यम से फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ये प्रमाणित नहीं होता है कि आपको कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना की जो सीवियरिटी होगी वो सीवियरिटी में निश्चिंत कमी आएगी। कोरोना संबंधित जो मृत्यु हुए हैं, जो डेथ हो रही है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि सीवियरिटी कम होगी तो डेथ्स कम होगी। दूसरी चीज, मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी। पहली वैक्सीन का डोज था 25 जनवरी, दूसरी वैक्सीन का डोज था 22 फरवरी। ठीक उसके 17 दिन बाद यानी 11 तारीख से मुझे सिम्टम्स आना चालू हुए। थोड़ी सर्दी थी, दूसरे दिन तक वो ठीक नहीं हुई, तो सुबह मैंने अपनी जांच करवाई और मैं पॉजिटिव पाया गया। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना के जो भी सिम्टम्स रहते हैं, माइल्ड से माइल्ड सिम्टम्स, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, बेचैनी सा होना, सिर दुखना, नाक बहना, छींक आना, ऐसी कई तमाम तकलीफें, ये तो होती ही है। इसके आगे जो सीवियर केसेस रहते हैं उनमें तो और भी चीज़ें होती हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये सिर्फ वैक्सीन का ही असर है। मेरा सिर्फ नाक बंद है और पहले दिन पे मेरा नाक बह रहा था, उसके बाद सुबह से मैंने नाक बहने की दवाई नहीं ली है, मेरे को और इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों में नॉर्मल आम जनता में भी, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें भी यही सिम्टम्स दिखेंगे, वो लोग कोविड पॉजिटिव आएंगे, वो लोग वीडियो बनाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, ऐसा बोलेंगे कि वैक्सीन लेने का क्या मतलब है, वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा है अगर फिर भी कोविड हो रहा है। तो मैं आप, ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों तक
ये सही जानकारी पहुंचा सकूं और मैं मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर सकूं। जाते जाते बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, तो कृपया वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतें। बाहर जब निकलने पर घर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने परिवार का उसी प्रकार ख्याल रखें जैसे पहले रख रहे थे। लापरवाही वैक्सीनेशन के बाद कुछ नहीं बरतनी है और मास्क हमेशा लगा के रखना है। स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।